पांच बीओ सिंगरौली गोलीकांड में चतरंगी के दुरदुरा गांव दलित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा मोहन सरकार में सुरक्षित नहीं है आदिवासी एवं दलित। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सिंगरौली जिले के चितरंगी के दुरदुरा गांव में दलित परिवार से मिलने पहुंचे। बता दें आपको, विगत दिनों दलित परिवार के लाले बंसल को भाजपा युवा मोर्चा के महू आर्या मंडल अध्यक्ष अभिषेक पांडे के द्वारा गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर पेश कर लिया था। पीड़ित परिवार के गांव दुरदुरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, यदि मुख्यमंत्री गुंडा और बदमाशों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर त्वरित कार्यवाही करें। आरोपी राज्य मंत्री के साथ रहकर पहुंच बना लिया है, जिस वजह से दबाव में पुलिस कार्य नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता राशि के 1,00,000 रुपए दिए गए। वहीं दूसरी ओर नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में दलित और कमजोर वर्ग के व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हम इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे विधायक दल के साथ यहां पहुंचेंगे और SP से लेकर IG तक को सस्पेंड करवाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि मृतक का बड़ा भाई सरपंच है। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर आरोपी के साथ हिस्सेदारी की बात सामने आई है, जिसमें आरोपी के द्वारा 2,00,000 की मांग की गई थी जबकि 1,00,000 दिया गया था। आरोपी सरपंच को जान से मारने की फिराक में था, लेकिन मेरा भाई लाले बंसल हमशक्ल था, हमें जानकर मेरे भाई लाले बंसल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशा सैन की रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे इस तरह से हादसा? दलित परिवार के में जो डर दिखा और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने इनके साथ भेदभाव किया, इन्हें बताया उन्होंने कि हमें पोस्टमार्टम के समय हमें कोई सूचना जानकारी नहीं दी गई, ना इन्हें पास में आने दिया गया। और जिस प्रकार उसके भाई ने बताया मृतक के कि ना मैंने कोई साइन की, कल यहाँ राधा सिंह भी आई थी, 25,000 दे रही थी लेकिन साइन करवा रही थी, कौन से कागज पर साइन करवा रही थी मृतक परिवार के, उनके परिवार के पिता ने उनके बताया मृतक के पिता ने। तो ये एक पूरा षड्यंत्र है BJP का और अपने लोगों को बचाने का। क्यों नहीं अभी तक पुलिस ने वहाँ पे CTR लोकेशन क्यों नहीं निकाली? पुलिस ने दो दिन के अंदर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कौन लोग थे, किनके फ़ोन कॉल थे, कौन उस आरोपी के साथ था, उसकी आज भी धमकी दे रहे कोई इनको यहाँ के स्थानीय लोग कि एक को मार दिया दूसरे को मार दिया। तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का एक अराजकता है, दादागिरी है। वो कांग्रेस पार्टी इस पर चुप नहीं रहेगी, हम इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि इनको तत्काल सुरक्षा मिले। और मैंने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सहयोग राशि के रूप में मृतक परिवार को 1,00,000 रुपये की घोषणा की। साथ ही मैं ये चाहूँगा कि इनके सबके बयान हों और 164 के अंदर कोर्ट में बयान हो ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि पुलिस पे इनको भरोसा नहीं है ऐसा इन्होंने सबने बताया। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं और चलाती आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिला भी है। लेकिन सिंगरौली जिले में दो ऐसे अपराधी हैं जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके घर पे बुलडोजर अभी तक कार्रवाई नहीं की, क्या कुछ कहेंगे इस मामले? तो मैं यही मोहन यादव सरकार को कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री का विभाग भी उनके पास है, कि अगर आप इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ाना चाहते तो मुख्यमंत्री फिर बताएं। मुख्यमंत्री जी अगर ऐसे गुंडे बदमाशों को बढ़ाना चाह रहे तो ये प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर निर्णय लेना। पीड़ित परिवार इतना डरा हुआ है, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके जाने के बाद पुनः प्रशासन इन पर दबाव बनाएगी कि आपके सामने सच्चाई क्यों लाया गया? अगर ऐसी बात होगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी सिंगरौली की पूरी उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी उसको न्याय दिलाने तक। क्या पीड़ित परिवार का ये जो मामला है सदन तक उठेगा? स्वाभाविक है, सदन के साथ अभी तो सड़क से उठेगा, सदन पे तो खबरें तो देश से बहुत आती है लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।